वेलकम टू इंडियन गर्ल्स रिशा। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सनस्क्रीन। लॉन्ग रन में सनस्क्रीन यूज नहीं करने से इट कैन लीड टू लॉट ऑफ स्किन प्रॉब्लम्स लाइक रिंकलिंग, फ्रेकल्स, पिगमेंटेशन एंड लॉट। सो सनस्क्रीन इज रियली इंपॉर्टेंट। आज की वीडियो में हम बातें करने वाले हैं हाउ टू यूज सनस्क्रीन इन अ करेक्ट वे। अभी आप सोच रहे होंगे सनस्क्रीन यूज करना हम सभी को आता है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लगता था कि सनस्क्रीन यूज करना क्या इतना बड़ी बात है, बस सनस्क्रीन लो अप्लाई कर लो हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं भी बहुत सारे मिस्टेक्स करती थी, तो मुझे लगा ये वीडियो बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। शायद आप में से भी बहुत सारे लोगों को इन सारी चीजों के बारे में पता नहीं होगा, अगर कुछ पता है शायद कुछ पता नहीं भी हो सकता है। इवन इंडिया में सनस्क्रीन को लेके अवेयरनेस बहुत ही कम है। एक स्टैटिक के मुताबिक इंडिया में सिर्फ 33% लोग डेली बेसिस पे सनस्क्रीन को यूज करते हैं और 13-14% लोग तो वीकली वंस और ट्वाइस यूज करते हैं। इवन 25% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी सनस्क्रीन यूज नहीं किया है, जबकि सनस्क्रीन यूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है टू प्रोटेक्ट आवर स्किन फ्रॉम यूवी रेस, क्योंकि यूवी रेस हमारे स्किन को डैमेज करता है इन लॉन्ग रन। इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू यूज सनस्क्रीन इन अ राइट वे, व्हाट टू यूज, व्हेन टू यूज एंड ऑल। सो सबसे पहले हम बातें करेंगे एक बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन के बारे में, जो कि है डू वी नीड टू यूज सनस्क्रीन इफ वी डोंट स्टेप आउट ऑफ द हाउस। बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अगर आप घर में भी रह रहे हो तो सनस्क्रीन यूज करना। ऐसे ये मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज्यादा रेडिकुलस लगता है बहुत सारे लोगों को कि हम विंडोज के पास नहीं जा रहे, बालकनी भी नहीं रह रहे, उसके बाद भी क्यों हमें सनस्क्रीन यूज करना है। सो बेसिकली अगर आप घर से बाहर नहीं जा रहे हो विंडो, या फिर आप बालकनी में भी ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, उसके बाद भी आप डिवाइसेस तो यूज करते ही होंगे। ये जो सारे डिवाइसेस है या फिर घर में जो आर्टिफिशियल लाइट्स है, उनसे भी यूवी रेस पास होती है जो कि आपके स्किन को डैमेज कर सकती है। तो इसी वजह से आपको सनस्क्रीन अपने घर में भी जरूर यूज करना चाहिए। आपकी जो डेली लाइफ की मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन होती है उसमें आपको डेफिनेटली सनस्क्रीन को इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन ये होता है व्हाट इज द राइट टेक्निक टू यूज सनस्क्रीन एंड व्हाट इज द राइट क्वांटिटी। सो टेक्निक के बारे में मैं बता देती हूँ, कुछ भी ऐसा टेक्निक नहीं है जो बहुत ही ज्यादा रॉकेट साइंस की तरह है, आपको सनस्क्रीन कुछ ऐसे तरीके से यूज करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बट क्वांटिटी इज अ रियली मैटर। सो क्वांटिटी में बहुत सारे लोग बहुत ही ज्यादा कंजूसी करते हैं, थोड़ा सा सनस्क्रीन लेते हैं, तो उसकी भी एक रीजन है, वो मैं थोड़ी देर के बाद बताती हूँ, क्योंकि वो मैं भी करती थी। सो राइट क्वांटिटी के लिए सबसे ज्यादा आइडियल ये है कि आप अपने दो फिंगर्स, मिडिल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर में इस तरीके से सनस्क्रीन को ले लीजिए। सो जितना सनस्क्रीन आपके ये टू फिंगर्स में आ जाएगा वो आपके फेस के हाफ पार्ट के लिए बिल्कुल आइडियल है, बाकी के हाफ पार्ट के लिए फिर से आपको दो फिंगर्स में उसे लेना है और उसके बाद अप्लाई करना है। सो मैंने जो बेस्ट टेक्निक खुद से डिस्कवर किया है वो है अपने फोर फिंगर्स में अपनी सनस्क्रीन को लेना और उसके बाद टू फिंगर्स को इधर स्वाइप अप कर लो और टू फिंगर्स को इस तरीके से स्वाइप अप कर लो और उसके बाद बाकी का जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट रह जाएगा सनस्क्रीन का से रेस्ट ऑफ द फेस में एंड नेक में आपको अप्लाई करना है एंड देन मसाज करना है एंड यू आर सॉर्टेड। आपको बिल्कुल परफेक्टली आइडिया लग गया होगा कि आपको कितना सनस्क्रीन चाहिए आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आप पहले जैसा मेरा जो मिस्टेक को अभी भी करते जाओगे कि थोड़ा सा सनस्क्रीन लेके उसके बाद अप्लाई करोगे तो ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये जो थोड़ा सा सनस्क्रीन मैं अप्लाई करती थी ना, जैसा कि मैं बोल रही थी, इसके एक मेन रीजन ये थी, वो थी व्हाइट कास्ट। बेसिकली बहुत ज्यादा सनस्क्रीन अप्लाई करने से व्हाइट कास्ट बहुत ज्यादा होता है, ऐसे थोड़ा सा यूज करने से भी होता है, लेकिन जितना ज्यादा आप यूज करोगे उतना ज्यादा व्हाइट कास्ट होता है। और कुछ कुछ सनस्क्रीन तो ऐसे होते थे जो मेरी स्किन को बहुत ही ज्यादा ऑयली बना देता था, तो मुझे बिल्कुल भी वो पसंद नहीं था। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और उसके लिए आप सोच रहे हो कि कौन सा सनस्क्रीन बेस्ट रहेगा, तो मैं आपको डेफिनेटली बोलूंगी कि आप एक इस टाइप के सनस्क्रीन पे इन्वेस्ट कर सकते हो। सो ये जो सनस्क्रीन है ये है डर्माकोकी 1% हाइलुरोनिक सनस्क्रीन एक्वा जेल। ये जो सनस्क्रीन है ये SPF 50 एंड PA++++ के साथ आता है। इसकी जो की इंग्रेडिएंट है वो है हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन ई एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड। की इंग्रेडिएंट्स मैटर अ लॉट, क्योंकि इसमें हाइलुरोनिक एसिड होने के वजह से ना ये आपके स्किन में रिंकल्स एंड फाइन लाइंस के साथ भी फाइट करता है, विटामिन ई सन डैमेज से फाइट करता है और टाइटेनियम डाइऑक्साइड आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज। मैं अगर आपको इसकी टेक्सचर बताऊं ना तो ये बहुत ही ज्यादा क्रीमी फिनिश का है, लेकिन बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, बिल्कुल वॉटर की तरह आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, आपको फील भी नहीं हो
होगा कि आपने सनस्क्रीन यूज किया है, मतलब वो व्हाइट कास्ट भी नहीं, साथ साथ वो जो ऑयलीनेस है पोस्ट एप्लीकेशन वो भी बिल्कुल नहीं है। तो ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है, और सिर्फ मुझे ही नहीं, इसकी जो रेटिंग है वो है 4.9 out of 5, मतलब इसके कंज्यूमर्स को भी ये बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये लाइट वेट होने के साथ साथ फ्रेग्रेंस फ्री भी है, और ये आपको 50 ग्राम की पंप पैकेजिंग एंड 80 ग्राम की ट्यूब पैकेजिंग में मिल जाएगा। तो इसीलिए इसे अप्लाई करने के टाइम आपको कंजूसी करने की जरूरत नहीं है कि ये सोच के खत्म हो जाएगा। सो आप एडिक्यूट अमाउंट यूज कर सकते हो अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सनस्क्रीन से रिलेटेड ये होता है कि सनस्क्रीन की रीएप्लीकेशन कितने टाइम में होना चाहिए एंड आफ्टर मेकअप हाउ टू यूज सनस्क्रीन। सो बेसिकली जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि रीअप्लाई आपको कितने टाइम में करना चाहिए, तो उसका आइडियल आंसर है एवरी 2 आवर्स आपको सनस्क्रीन को रीअप्लाई करना है। तो ये कभी कभी थोड़ा सा डिफिकल्ट तब हो जाता है, स्पेशली जब आप मेकअप कर लेते हो। आफ्टर मेकअप अगर आप सनस्क्रीन को अप्लाई करते हो तो आप देखोगे कि आपकी मेकअप ही खराब हो जाएगी। तो इसीलिए आफ्टर मेकअप सनस्क्रीन अप्लाई करने के लिए आपको जो सनस्क्रीन का फॉर्मूला है वो डिफरेंट चूज करना चाहिए, ताकि आफ्टर मेकअप आपकी मेकअप खराब ना हो लेकिन आपकी सनस्क्रीन एप्लीकेशन भी हो जाए। तो इसके लिए बहुत पहले ना मैं ऐसे कॉम्पैक्ट यूज करती थी जिसमें SPF होता था, लेकिन बहुत ही मिनिमम होता था 10-15%। बट अभी मेरे पास इसके लिए एक बेस्ट सोल्यूशन है जो मैं आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। सो आफ्टर मेकअप मेरी जो सेवियर है, मतलब सनस्क्रीन को रीअप्लाई करने के लिए, वो है ये है मैटिफाइंग 100% मिनरल पाउडर सनस्क्रीन फ्रॉम दी ब्रांड डर्मा को, और ये SPF 50 एंड PA++++ के साथ आता है। ये UVA एंड UVB रेस से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद इसलिए है क्योंकि इसमें SPF 50 है तो परफेक्टली मेरी स्किन को प्रोटेक्ट कर पाएगा UV रेस से, और जब भी मैं इसे अप्लाई करती हूँ ना तो ये मेरी स्किन में जो एक्सेस ऑयल है उसे भी अब्सॉर्ब कर लेता है। तो समर के लिए बिल्कुल आइडियल है। आपके मेकअप के बाद आपको अगर 2 घंटे के बाद इसे अप्लाई करना है तो बेस्ट रहेगा ये। और ये जो पाउडर है ना, थोड़ा सा टिंटेड पाउडर है, बिल्कुल भी वो व्हाइट पाउडर नहीं है, और इंडियन स्किन टोन में परफेक्टली मैच हो जाता है। और इसकी एप्लीकेशन इज रियली इजी, क्योंकि जब भी आप इसे ओपन करोगे उसके बाद इस तरीके से आप देखोगे इसमें एक बहुत ही सॉफ्ट ब्रिसल्स है, जिससे आप बहुत ही इजीली मेकअप के ऊपर सनस्क्रीन को अप्लाई कर सकते हो। आपको इसे ऐसे करना है और उसके बाद इस तरीके से लेके 1, 2, 3 ऐसे कुछ टैप करना है, 2-3 टाइम इज एनफ, और उसके बाद आप इस तरीके से सनस्क्रीन को अप्लाई कर सकते हो आपके मेकअप के ऊपर। तो ये परफेक्ट है मेकअप के बाद आपकी सनस्क्रीन की रीएप्लीकेशन के लिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप इसे मेकअप के बाद ही यूज कर सकते हो। मैं कभी कभी ऐसा भी करती हूँ कि सुबह मैंने मॉर्निंग स्किन केयर में सनस्क्रीन अप्लाई किया है लेकिन मुझे बाहर जाना है, लेकिन मैंने मेकअप किया ऐसा भी नहीं है लेकिन मेरी स्किन थोड़ी सी ऑयली हो रही है, तो तब मैं ये सनस्क्रीन पाउडर यूज कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, मेरी स्किन मैटिफाई हो जाता है एंड सनस्क्रीन की रीएप्लीकेशन भी हो जाती है। और इसकी जो की इंग्रेडिएंट है वो है जिंक ऑक्साइड, जो कि UVA रेस एंड UVB रेस से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो कि एक्ट करता है UVA फिल्टर की तरह, और विटामिन ई है जो कि सन डैमेज को रिड्यूस करता है। और इसकी एक बोतल में आपको 2500 स्ट्रोक मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि जल्दी खत्म हो जाएगा। डर्माको के सारे प्रोडक्ट्स फ्रेग्रेंस फ्री होते हैं, और अगर आप इन सनस्क्रीन को लेना चाहते हो तो आप मेरे कूपन कोड को यूज कर सकते हो जो कि है 3SHA2023। इससे आपको डर्माको के वेबसाइट में एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिल जाएगा। अदरवाइज आप इसे नायका, अमेजोन, फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हो। जब भी आप डर्माको के वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस करते हो, वो आपके ऑर्डर को लिंक करते हैं एक चाइल्ड के साथ, एलोमो इन भूमि, वो उनको हेल्प करते हैं उनके एडुकेशन में, एंड दे हैव प्लेजर टू हेल्प 10,000+ स्टूडेंट्स अक्रॉस द ईयर। सो इन सनस्क्रीन के बारे में सारे डिटेल्स, परचेस लिंक एंड कूपन कोड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा कॉमन मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं, इवन मैं भी करती थी, वो है सनस्क्रीन को इमीडिएट अप्लाई करके घर से बाहर चले जाना। तो वैसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको घर से बाहर जाने से एटलीस्ट 15-20 मिनट्स पहले सनस्क्रीन को अप्लाई करना है। अगर आप इसे 30 मिनट कर सकते हो तो और भी ज्यादा बेहतर होगा। इससे आपकी स्किन जो है सही वे में प्रोटेक्ट कर पाएगी
आपकी सनस्क्रीन यूवी रेज एंड यूवी बी रेज। सनस्क्रीन से रिलेटेड और एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कॉमन है, इवन ये क्वेश्चन मेरे मन में भी था, वो है एसपीएफ। बेसिकली एसपीएफ कौन सा चूज करना चाहिए, तो एसपीएफ बेसिकली 30 से लेके 50 तक बहुत ही ज्यादा आइडियल है हमारे इंडियन वेदर के लिए और इंडियन स्किन टोन के लिए। तो अगर आप एसपीएफ 30 से लेके 50 तक चूज करते हो तो ये बहुत ही ज्यादा आइडियल होगी आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम दी हार्मफुल यूवी रेज। सनस्क्रीन से रिलेटेड और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि आपको सनस्क्रीन अपने स्किन केयर रूटीन में कौन से स्टेप में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। सो बेसिकली आपकी जो स्किन केयर रूटीन है, स्पेशली डे टाइम की स्किन केयर रूटीन, वो बहुत सारे लोगों के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। किसी के 3 स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं, किसी के 7 स्टेप्स होते हैं। बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं, लेकिन जो बेसिक स्किन केयर रूटीन मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द इंडियन वुमेन या गर्ल्स फॉलो करती है, दैट इज पहले फेस वॉश करना, उसके बाद टोनर एप्लीकेशन, उसके बाद मॉइस्चराइजर और उसके बाद आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है एंड यू आर सॉर्टेड। और अगर आप सीरम यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, तो मोस्टली सारी चीजें जो है वो करने के बाद ही आपको लास्ट में सनस्क्रीन अप्लाई करना होता है। सो होपफुली ये जो वीडियो है आप सबके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा एंड हेल्पफुल रहा होगा। अगर इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल रहा है तो डेफिनेटली इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और उसके साथ साथ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आप कौन से मिस्टेक्स हैं जो कि आप सनस्क्रीन के साथ करते थे, जैसे कि मैं बहुत सारी मिस्टेक्स करती थी, तो आप वो भी बता सकते हो। या फिर अगर आपके पास कोई भी सनस्क्रीन रिलेटेड हैक्स या फिर कुछ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो। सो होपफुली ये जो वीडियो है आप सबको पसंद आया होगा। अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।